हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक सिंह एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, यदि आपने हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान उड़ने का, तो आपके उन्हीं हौसलों में प्राण भरने का काम आज आईएएस पॉइंट की समस्त टीम कर रही है। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम आईएएस पॉइंट की टीम कर रही है। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। दोस्तों, इसी के साथ आज हम पालमपुर गांव की कहानी का पार्ट 4 स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले के 3 पार्ट में आपने पालमपुर गांव का अवलोकन किया, उत्पादन के संगठन के बारे में अध्ययन किया, पालमपुर में खेती कैसे होती है उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। जिस किसी भी फ्रेंड ने इन 3 वीडियो को ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक के माध्यम से आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे लघु निर्माण हुआ, डेयरी हुआ, परिवहन हुआ, दुकानदारी हुई, महिलाओं द्वारा समूह बनाकर गांव में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट होती है कार्य करने की, वो सब गैर कृषि क्रियाओं में ही आती है। जैसा कि इसमें वर्णित है कि हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। ये भी एक क्वेश्चन है कि पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या है? खेती। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। अगर पूछा जाए कि पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग खेती के अलावा गैर कृषि कार्य करते हैं, तो इसका आंसर है 25% लोग। अब जैसे आइए डेयरी के बारे में पढ़ते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा, जिसे गांव में चरी कहते हैं, खिलाते हैं। उसी दूध को जो गाय और भैंसों के द्वारा प्रदान होता है, उसी दूध को गांव के रायगंज में बेचा जाता है, बड़े गांव। रायगंज क्या है? पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज है। और शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध एवं संग्रहण शीतलन केंद्र खोला है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। दूध संग्रहण केंद्र क्या है? जैसे गांव में जो दुग्ध उत्पादन करता है, जिनके यहां दूध का उत्पादन होता है, वो उसी दूध को एक सेंटर बना हुआ होता है डेयरी का, जिसे डेयरी ही कहा जाता है, वहाँ ले जाकर के लोग अपने अपने दूध को मपवाते हैं, मेजरमेंट करवाते हैं कि मेरा 2 लीटर है, 4 लीटर है, 10 लीटर है, 20 लीटर है। इसी के हिसाब से उनको उनके दूध का पैसा मिलता है, मूल्य मिलता है, जिससे कि वो भैंस के लिए चारा खरीदते हैं, पशु आहार वगैरह खरीदते हैं और अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। तो ये हो गया डेयरी। आगे ये 3 तालिका दी हुई है, पहले, दूसरे और तीसरे किसान की। इसको अध्ययन करके आप लोग तालिका भर लीजिएगा, बहुत इजी है ये। हम आपको वही सब बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। तो विनिर्माण क्या है, पहले इसको जानते हैं। विनिर्माण की यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उत्पाद का जीवन चक्र मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं।
विनिर्मित सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या बेचने के लिए हो सकते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है या इसका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। अब जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसी के हिसाब से वहाँ उसी मेथड का प्रयोग भी किया जाता है। तो अगर सिटी की अपेक्षा पालमपुर गांव को कंपेयर करें तो पालमपुर गांव में जो भी विनिर्माण की विधियां हैं वो शहर की अपेक्षा काफ़ी सरल हैं। आगे देखते हैं, मिश्रीलाल की कहानी है, करीम की कहानी है, इन सभी कहानियों को पढ़ करके ये जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स सर्च करने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरा है पालमपुर के दुकानदार। गांव में दुकानदारी भी होती है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में भी कई प्रकार के दुकान खुले हुए हैं, जनरल स्टोर हुआ, स्टेशनरी की बुक्स दुकानें हुई और भी अन्य चीज़ों की शॉप्स हो सकती हैं। तो दुकानदार जो होते हैं बड़े बड़े शहरों से थोक में सामान को लाते हैं और कुछ मुनाफा उठाकर, कुछ लाभ कमाकर उस सामान को गाँव में विक्रय करते हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं का भी कार्य चलता रहता है और दुकानदार को भी अपना लाभ मिलता रहता है। आगे है परिवहन। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। हम कितना भी उत्पादन गाँव में कर लें लेकिन अगर हमारे पास परिवहन नहीं है तो हम अपने उत्पादित किए हुए वस्तु को शहरों तक कैसे पहुंचाएंगे, विक्रय कैसे करेंगे। तो परिवहन इन सब चीज़ों में, इन सभी क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभाता है। महती मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे रायगंज में, पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो हम लोगों ने देखा ही है गांव में, और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग भी हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। अब जो भी अपनी गाड़ी लेकर के, सामान को लेकर के गांव से शहर जाएगा तो किसानों से उसके बदले में पैसा लेता है, जिससे कि उसका भी जीविकोपार्जन चलता है और किसानों का सामान बिक जाता है, इनका भी जीविकोपार्जन चलता रहता है। आगे है किशोर की कहानी। किशोर की कहानी को पढ़ने के बाद ये जो प्रश्न दिए हुए हैं कि किशोर की अस्थाई पूंजी क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी, इसके बारे में भी मैंने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो में टॉपिक टू टॉपिक बताया है कि हाँ इसका आप नोट्स बना लीजिए। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट के जरिए पूछे हैं कि सर इसका नोट्स बना सकते हैं क्या। श्योर, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका नोट्स तैयार कर लीजिए। और मेरा ही नहीं, यानी अर्थशास्त्र का ही नहीं, जितने भी टीचर्स आईएएस पॉइंट टीम के अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष, उन सभी में जो भी आपको, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी का नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सारांश है, अभी तक मैंने जो पढ़ा, आप लोगों ने जो भी अध्ययन किया, पूरे पालमपुर गाँव का ये सारांश है कि क्या क्या हमने अध्ययन किया है।
जैसे अगर पूछा जाए कि गांव में खेती का, गांव में उत्पादन की मुख्य क्रिया क्या है, तो हम बोलेंगे खेती ही गांव में मुख्य उत्पादन क्रिया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं अभ्यास पर, यानी पालमपुर गांव की कहानी का जो लेसन है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वे किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए कि पालमपुर में कितने अवस्थित क्षेत्र हैं, दूसरा है गांव का कुल क्षेत्र कितना है, तीसरा है भूमि का उपयोग कितना है, हेक्टेयर में लिखना है। इन सभी का खा गा यानी तीनों खंड के जो आंसर्स हैं, आप इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि हाँ, आप लोग कितने ध्यान से इस वीडियो को, इस लेसन को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगला है कृषि भूमि में कितनी सिंचित भूमि है, जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, खेती की सिंचाई अच्छे से हो जाती है, कितनी असिंचित जमीन है। ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके 26 हेक्टेयर जैसे लिखा हुआ है इसमें। और फिर पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे शैक्षिक कितने विद्यालय हैं, चिकित्सा के लिए क्या सुविधा है, बाजार कहाँ है, बिजली पूर्ति कैसे हो रही है, संचार के कौन कौन से माध्यम साधन हैं, निकटतम कस्बा कौन सा है पालमपुर गांव का। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा इस पूरे अध्याय को, उसके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजी वे में आ जाएंगे। नेक्स्ट है खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं? श्योरली हम क्यों नहीं सहमत होंगे, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि आधुनिक विधियों का उपयोग करके ही खेती के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो जैसा कि एक फ्रेंड पूछा था कमेंट में कि हरित क्रांति के क्वेश्चंस आएंगे, श्योरली दोस्त क्वेश्चंस जरूर आएंगे। हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में ज़रूर अध्ययन कीजिएगा, और मैंने हरित क्रांति के विषय में पिछली वीडियो में बताया भी था। नेक्स्ट है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की, तो इसके आंसर्स लिखिए आप। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की निम्नलिखित प्रकार से मदद किया। फर्स्ट है बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की। सेकेंड, सिंचाई को और आसान बना दिया। थर्ड है अब वे अधिक से अधिक बिजली का उपयोग करके अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और है तो क्यों? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा। नेक्स्ट है पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। जो भी 450 फैमिली है पालमपुर विलेज में, इन परिवारों की एक आपको सूची बनानी है, जिनका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी के हिसाब से बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? इसका आंसर लिखिए दोस्तों। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से इसलिए कम है, पहला क्योंकि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है, दूसरा श्रमिकों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, तीसरा जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को अधिक मिलता है, चौथा श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने को सहमत हो जाते हैं। ये चार कारण हैं जो ये दर्शाते हैं कि पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्षेत्र में दो श्रमिकों से बात कीजिए जो खेतों में काम करते हैं, या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों से, किसी भी मजदूर को चुनिए,
उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में कुछ, जैसे अनाज हुआ, खाने पीने का कोई सामान हुआ, उस काम किए हुए धनराशि के बदले में जो कुछ भी मिलता है उसके बारे में उनसे चर्चा करना है। क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, रोजगार मिलता है, क्या वे कर्ज में हैं, ये सब चर्चा करना है आपको उनसे मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। मित्र, इसका क्वेश्चन से लिखिए, इसका आंसर से लिखिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्नलिखित तरीके हैं। फर्स्ट है बहुविधि फसल प्रणाली अपनाकर। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि बहुविधि फसल प्रणाली है। सेकंड है आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर। थर्ड है उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर। फोर्थ है उचित समय पर उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग करके। इन सभी का उपयोग करके हम एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एक हेक्टेयर के भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। आपके आसपास में जिसकी भी भूमि एक हेक्टेयर के आसपास होगी उनकी आप एक सूची बनाइएगा और पूरा विवरण उसमें लिखिएगा कि एक वर्ष में कौन कौन से फसल का उत्पादन करते हैं, उससे उनको कितना प्राप्त होता है, कितना लॉस होता है, कितना बेनिफिट्स होता है, इसका ब्यौरा बनाना है। नेक्स्ट है मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से भिन्न कैसे हैं, इसका आंसर लिखिए। मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों, गत का मतलब बीते हुए वर्षों की बचत से पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं, यही उसकी बचत है, जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है, क्या ब्याज की दम कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। सविता और तेजपाल सिंह की स्टोरी ऊपर दी हुई है, उसका अध्ययन करिएगा, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए कि पहले सिंचाई कैसी होती थी, उत्पादन की विधियां कौन कौन सी थी, उत्पादन के लिए हम किस किस यंत्र का प्रयोग करते थे, कैसे कैसे करते थे, इन सभी का डिस्कशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो आपके क्षेत्र में कौन कौन से, जैसे डेयरी खुली हुई है, छोटे छोटे लघु उद्योग, अपना छोटा बिजनेस कोई कर रहा है, दुकान खोला है, शॉप्स, कई प्रकार की शॉप्स खोल सकती हैं लोगों की, तो इन सभी का आपको एक सूची बनाना है। नेक्स्ट है गाँव में अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसका आंसर लिखिए। गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है। पहला है गाँव के लोगों को सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सेकंड है गाँव के बाजारों को शहरों से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक गाँव के बाजार को शहर से नहीं जोड़ा जाएगा, गाँव में जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा उस शहर तक नहीं पहुंच पाएगा, और शहर नहीं पहुंचेगा तो किसानों को बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि गाँव में उतने जो भी उत्पादन होगा उसके उपभोग बहुत कम होंगे, तो जिससे कि किसानों के द्वारा उत्पादित किया हुआ उत्पाद नष्ट होगा, व्यर्थ होगा,
तो उनको लॉसेस ज़्यादा होगा। इसलिए विलेजेस को सिटी से लिंक होना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांव की आधारिक संरचना में सुधार होना चाहिए। तो ये तीन बातें हैं जिससे कि गैर कृषि कार्य को और बढ़ाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज यह चैप्टर समाप्त हो चुका है, पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर से संबंधित किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी समस्या किसी भी टॉपिक पर है तो आप निःसंकोच कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके उस प्रश्न का उत्तर, उस टॉपिक का निवारण निराकरण जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में नए उमंग, नए जोश, नए ज्ञान के साथ मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।